हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली ब्यूटी टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल रेमेडी लेके आई हूँ। सर्दी को देखते हुए आपको बालों में कलर करना होता है, लेकिन सर्दी में आपको बहुत दिक्कत होती है कि हम करें क्या। तो होता क्या है कि बाल जो है हमारे बहुत से लोगों के यहाँ पे हल्के हल्के वाइट हो जाते हैं इस जगह से, क्योंकि हम मुंह धोते रहते हैं ना, तो आगे आगे से बाल जो है वाइट हो जाते हैं। जैसे आपको मेरे भी हल्के दिख रहे होंगे, ये हल्के हल्के इस जगह से वाइट हो जाते हैं। तो उसको रूट स्ट्रेचअप करना होता है, तो हम सोचते हैं कि अब दोबारा से फिर कलर करें, फिर उसको 40 मिनट रखें, तो बहुत मुश्किल लगता है। तो आपको करना क्या है, मैं आपको ये जो रेमेडी बता रही हूँ आप जरूर फॉलो करें, करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने पूरे बालों में नहीं कलर लगाना, हमने सिर्फ रूट्स पे लगाना है हल्का हल्का। तो हम कलर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ज्यादा झंझट में पड़ेंगे ही नहीं कि आधा घंटा पौना घंटा कौन रखे। सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ही आपको रूट्स हैं आपकी ठीक हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या, आप एक बाउल के अंदर थोड़ा सा कॉफी पाउडर ले लें, उसके अंदर आप कस्तूरी हल्दी जो आती है वो थोड़ी सी डाल दें, और उसके अंदर थोड़ा सा इंडिगो पाउडर डाल दें। इस पाउडर को मिक्स करके ना आप स्टोर करके रख लें, ठीक है, जो आपको रोज रोज बनाना नहीं पड़ेगा। तो जब भी आपने रूट्स को टचअप करना है, तो आपने करना क्या है, इसे लें थोड़े से पाउडर को, तीनों पाउडर जब मिक्स हैं इनको लें, इसके अंदर हल्का सा दही डाल लें, या एलोवेरा जेल का जो जो होता है उसका जूस होता ना, उसको थोड़ा सा डाल लें। तो उसके साथ इसको एक पैक सा बना लें, हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा सा पैक बन जाएगा। तो आपने कैसे लगाना है, आपने लेना है टूथब्रश। फ्रेंड्स, अक्सर बहुत लोगों को शिकायत होती है कि हम कलर लगा लेते हैं, लेकिन हमारे ये बाल तो कभी होते ही नहीं है, जो ग्रे होते हैं वो ग्रे ही दिखते हैं, यहाँ पे हमारे कलर ही नहीं आता, इस जगह पे हमारे कलर ही नहीं आता। बहुत मुझे भी कंप्लेंट रहती थी पहले, बहुत से लोगों को ये कंप्लेंट रहती कि पूरे सिर में कलर लगा ले, लेकिन ये जगह वाइट ही है, या फिर अब कलर लगा लिया, चलो कलर मान लो हो भी गया, तो थोड़ा थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। तो इसको आपने टूथब्रश के साथ लगाना है, ना कि डाइट ब्रश के साथ। आप एक बार आपको लगेगा कि टूथब्रश के साथ लगाना है, नहीं, लेकिन अगर आप टूथब्रश के साथ लगाते हैं तो आपको खुद को पता चलेगा कि कितना ज्यादा फायदा। जब हम टूथब्रश के ऊपर हल्का सा ये जो पाउडर हमने मिक्स करके किया है, हल्का सा टूथब्रश पे लेना, और जहां जहां हमारे रूट्स है ना, जहां जहां, जैसे यहाँ पे है, जहां जहां रूट्स है वहां वहां आपने लगा लेना है। तो सिर्फ 10-15 मिनट आपने रुकना है, 10-15 मिनट के बाद आपने वॉश कर देना हल्का हल्का, पूरा सिर भी धोने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह करके देखिए, आपको लगेगा कि हमारे रूट्स में वाइट नहीं है, यानी ग्रे नहीं है, मिक्स सी हो गई है। तो आपको ये जो है रेमेडी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप कलर ही करना चाहते हैं कि हमने तो कलर ही करना है रूट्स पे हल्का हल्का, तो फिर आप टूथब्रश के साथ करें। फ्रेंड्स, ये आप जरूर फॉलो करें, आप टूथब्रश के साथ करें, आपको ये शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हमारे जो नीचे से जड़ से जो रूट से बाल जो है वो वाइट दिख रहे हैं, तो आपकी ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आप इस रेमेडी को फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस में से शेयर करें। और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हर इजी से इजी रेमेडी का या टिप्स का फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इजी रेमेडी के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।